देशवासियों, आम तौर पर हमारे देश में सरकारों की पहचान ये बनती रही कि सरकार ने फलाने इलाके के लिए क्या किया, फलाने वर्ग के लिए क्या किया, फलाने समूह के लिए क्या किया, आम तौर पर क्या दिया, कितना दिया, किसको दिया, किसको मिला, उसी के आसपास सरकार और जनमानस चलते रहे और उसको अच्छा भी माना गया। मैं भी शायद उस समय की मांग रही होगी, आवश्यकता रही होगी, लेकिन अब किसको क्या मिला, कैसे मिला, कब मिला, कितना मिला, इन सब के रहते हुए भी हम सब मिलकर के देश को कहां ले जाएंगे, हम सब मिलकर को देश को कहां पहुंचाएंगे, हम सब मिलकर के देश के लिए क्या अचीव करेंगे, इन सपनों को लेकर के जीना, जूझना और चल पड़ना ये समय की मांग है। और इसीलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए, और हमने रखा है, लेकिन वो हवा में नहीं है। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था, लेकिन 2014 से 2019 पांच साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए, $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है, छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं, और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करें तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, हमारे समुद्री संपत्ति ब्लू इकोनॉमी इस क्षेत्र को हम बल दें, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को हम ताकत दें, हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बने, दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे, इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं।